Hello students, as we have already covered chapter 1 nutrition in plants, students, today let's recall all the terms what we have covered. You know, all the living organisms require food to grow, repair damaged parts of their bodies and to get energy to carry out life processes. हम भोजन इसीलिए खाते हैं कि वो हमारी ग्रोथ के लिए चाहिए और हमारे जितने भी डैमेज पार्ट्स हैं बॉडी के उनकी रिपेयर करने के लिए गेट और हम लोगों को डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है वो कौन फुलफिल करता है, वो फूड ही फुलफिल करता है. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सिक्स्थ क्लास देयर आर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. So these are called nutrients. Now the process of taking in food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. बेटा, जिस प्रोसेस के द्वारा हम भोजन की इंटेक करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, that is called the nutrition. It is of two types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Let's discuss autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means ki the mode of nutrition where green plants make the food. जो green plants हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, they make their food themselves. That's why this mode of nutrition is called, they are known as autotrophs, and this mode of nutrition is called autotrophic nutrition. Auto का मतलब क्या होता है? Self. Trophism means feeding. तो green plants क्या हुए? Autotrophs हुए. Now, the cells of green leaves and young stems, they contain numerous green structures. उनको क्या बोलते हैं? जो numerous green structures और cells present होते हैं plant में, they are known as chloroplast. Chloroplast जो होते हैं, they contain the pigment chlorophyll. Chlorophyll आपको मालूम ही है. It is the chlorophyll क्या करता है? That traps the energy from sunlight. तो ये सनलाइट को ट्रैप करता है. लीव्स क्यों ग्रीन होते हैं? बिकॉज ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल. सो लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. सो बेटा, कि लीव्स के अंडर साइड जो पोर्स हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं. स्टोमेटा दे आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स. जो इसकी आउटर कवरिंग है दैट इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स. जो क्लोरोप्लास्ट है, मैंने जैसे आपको बताया ही है, वो सेल्स होते हैं और दे कंटेन न्यूमरस ग्रीन स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट. उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोफिल. एंड क्लोरोफिल की वजह से ही जो ग्रीन लीव्स क्या हैं? ग्रीन होते हैं. क्लोरोफिल प्लांट में क्या हेल्प करता है? क्लोरोफिल एंड सनलाइट को ट्रैप करता है. और लीव्स के अंडरसाइड जो पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. स्टोमेटा दे आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स. अब जो स्टोमेटा है वो क्या करते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स. सो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन इनटेक करना या कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, दैट इज थ्रू द स्टोमेटा. द वॉटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर्स प्रेजेंट इन द रूट्स. जितना भी वॉटर है जो सॉइल एब्जॉर्ब करती है, दैट इज थ्रू द रूट हेयर्स. अब आप सॉइल में वाटर डालते हो तो वो कैसे जाता है? वो आप ऊपर से डालते हो, वाटर तो कहाँ चला जाता है? सॉइल में चला जाता है. जब वो सॉइल में चला जाता है तो रूट एयर्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाता है. अब बेटा, सॉइल जो प्लांट है उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं. वन इज जाइलम एंड अदर इज फिलम. आई एम शोइंग यू द पिक्चर दैट इज ऑफ जाइलम एंड फिलम. जाइलम जो है, ये देखिए, जाइलम जो है ये ग्रीन ब्लू कलर की जो पाइप्स हैं और फिलोएम जो है ये
येलो कलर का टिश्यू है, ये वास्कुलर टिश्यू कहते हैं इसको। तो जो जाइलम टिश्यू होता है ये क्या करता है, रूट्स से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। और फ्लोएम जो है बेटा ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जितना भी भोजन बनता है पूरे प्लांट में उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। सो मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ये क्या है, वास्कुलर टिश्यू होता है, ये टिश्यूज होते हैं जिसमें जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। सो प्लांट्स जो है उनमें क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करती हैं, सनलाइट को ट्रैप करती हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, वाटर को कंज्यूम करके वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस। आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में मालूम ही है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स दे टेक सनलाइट और क्या करते हैं, कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दिस इज द रिएक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉटर को कंज्यूम करके इन द प्रेजेंस बाय ट्रैपिंग द सनलाइट एंड बाय यूजिंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स लाइक कौन से नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स बेटा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन से, सनलाइट टू फॉर्म द फूड। सो व्हेनेवर द प्लांट प्रिपेयर द फूड बाय द ग्रीन लीव्स इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द स्टेम। और ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है तो फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। मोस्ट प्लांट्स में क्या होता है बेटा, जो ग्लूकोज होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द लीव्स स्टेम और रूट्स। जैसे कि आपको मालूम है लीव्स की फॉर्म में आप जैसे स्पिनच को कंज्यूम करते हो, स्टेम की फॉर्म में आप शुगर केन को कंज्यूम करते हो और रूट्स की फॉर्म में आप टर्निप कैरेट वगैरह को कंज्यूम करते हो। इन दिस वे जो प्लांट्स हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स में फूड स्टोर्ड होता है। द फूड दैट प्लांट इज, जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं फूड दे आर नॉट प्रिपेयरिंग ओनली फॉर themselves बट ऑल्सो फॉर अस फॉर द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। मीन्स कि प्लांट्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, हमारे लिए भोजन भी प्रिपेयर करते हैं। लाइक प्लांट्स में क्या होता है बेटा कि प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, बट वी कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन दिस वे द प्लांट्स मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द नेचर। विदाउट प्लांट्स इट वुड नॉट बी, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो प्लांट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद वन एक्टिविटी दैट द प्लांट्स कंटेन स्टार्च, लीफ कंटेन स्टार्च। आपने क्या करना है, एक लीफ लेना है फ्रॉम अ प्लांट विच हैज बीन एक्सपोज टू सनलाइट। यू विल बॉयल फॉर 5 मिनट्स। वेन एवर इट विल बी सॉफ्टन देन यू विल पुट इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल उसमें डाल दो। क्या होगा, आपने फिर इसको बॉयल करना है। डू नॉट अलाउ द वॉटर इन द बीकर टू बॉयल, पानी को बहुत ज्यादा बॉयल नहीं करना। अल्कोहल विल डिजॉल्व द क्लोरोफिल एंड द लीफ विल लूज इट्स ग्रीन कलर। अल्कोहल क्या हो जाएगा, अल्कोहल से जो क्लोरोफिल है इसके बीच में ही डिजॉल्व हो जाएगा। नाउ वॉश द लीफ इन द वार्म वाटर एंड उससे क्या होगा, आपने उस अल्कोहल रिमूव करनी है। आफ्टर दैट यू विल पुट दैट लीफ ऑन द टाइल एंड देन पोर आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। जब आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे द लीफ विल चेंज इट्स कलर
it will turn to blue black. So this shows that the leaf contain starch in it. Now, what are the conditions necessary for photosynthesis? Without this, the photosynthesis process will not be carried out. Presence of chlorophyll chahiye, presence of light, availability of carbon dioxide and availability of water. In sab ke bina nahi photosynthesis is not possible. Ab aa gaya synthesis of food other than carbohydrates by plants. आपको जैसे मालूम है कि टू सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स नीड नाइट्रोजन. तो अब जो नाइट्रोजन है, बहुत सारी नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में है, बट दैट इज इन द फिक्स्ड फॉर्म. प्लांट्स उसको एज इट इज नहीं यूज कर सकती. सो एज वी नो कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, अगर वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकते डायरेक्टली, तो हाउ विल दे एब्जॉर्ब दैट नाइट्रोजन. सो बेटा, सॉइल प्लांट्स में क्या होता है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है. जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, दैट कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स. वो उसको वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में चेंज कर देता है, जिसको प्लांट इजिली एब्जॉर्ब कर लेती है. फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. जब वो फार्मर उसमें सॉइल में नाइट्रोजन एज इट इज डाल देता है, तो प्लांट्स उसको वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल कंटिन्यू हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन नेक्स्ट वीडियो.